श्री ठाकुर जी की सभी संत समाज की द्वारका के सभी पावनों की नमः पार्वती पते हरि शरणम हरि शरणम। भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमय कृपा, यहाँ द्वारकानाथ भगवान की कृपा। हम सब तो प्रजा हैं, राजा तो यही है। ऐसे श्री द्वारकानाथ जी की दया से आज हमको भी प्रथम बार श्री गिरधरलाल जी के कारण द्वारकानाथ भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। और खूब मन में था कि रात्रि विश्राम करें, ऐसा समय बने, लेकिन तीन चार रातों से एकदम उल्लुओं जैसे जाग रहे, तो अब शरीर भी बुढ़ापे की तरह है।
बड़ी मुश्किल से प्रातः काल जो है हो पाए और पूरी रात जो है यात्रा की, और सुबह से सीधा जो है जहाँ निवास था जिस यजमान के घर रुके थे उसके यहाँ गई नहीं, सीधे चील गाड़ी जहाँ रखी थी वहीं आ गए और द्वारका नाथ गुरुदेव भगवान के प्रकटोत्सव में पहुंचना है। लेकिन यहाँ आकर महसूस कर रहे कि हमसे कुछ तो बिछड़ रहा है, भाव ठाकुर जी के प्रति देख कर ऐसा लगा जैसे वास्तविक जो है द्वारकापुरी में राजा के रूप में ठाकुर जी बैठे हैं, सब पटरानियां अगल बगल बैठी हैं और सरकार जो है चौपर के पास से डाल रहे, बीच बीच में वही ब्रज का स्वभाव में वही बात बात पे अड़ जा रहे कि नहीं ये गोटी हमारी है, ये देख देख करके बार बार खूब अब यहाँ तक हम आ तो गए और माइक भी पकड़ लिया, पर वो बार बार चित्रण मन में आ रहा था, हम ऐसा लग रहा हम अभी वही बैठे हैं और वापस नहीं अभी हम हो पा रहे कि हम कुछ बोल पाए, हमें आज पता ही नहीं लग रहा कि हम बोले क्या, बार बार वही लग रहा कि वो किसी बात पे बार बार लड़ भी रहे, बीच बीच में अटखेलियां भी कर रहे हैं और बीच बीच में दोनों हाथ ऊपर कर करके फिर से पासे फेंक रहे हैं सरकार। तो आज तो जो है बहुत अद्भुत दर्शन श्री द्वारकानाथ ठाकुर जी के हुए और द्वारकानाथ ठाकुर जी के लाडले आप सबके दर्शन हो गए, हमारी यात्रा आनंदमय होगी और उसके साथ में एक ऐसी अनूठी पहल संपूर्ण भारतवर्ष में हमारे अनुज ने की है, व्यासपीठ पर विराजमान है और आपके ऊपर तो खूब भगवत कृपा, पिताजी भी बड़े अद्भुत, उनके ऊपर ठाकुर जी की साक्षात कृपा, ऐसा मानो वेद व्यास जी महाराज ने ही कोई अपने अंश रूप में कृपा करके हम सब विद्यार्थियों को जो है एक ऐसी निधि ठाकुर जी के रूप में दी हो कि आप सब आपसे सीखो, ऐसे पूज्य महाराज। और फिर अनुज का तो क्या कहना, दो दो भाव बनते, एक मित्र का भाव बनता और दूसरा अनुज तो है ही है। तो आपने यह जो महोत्सव प्रारंभ किया उस महोत्सव से आज हमको श्री द्वारकानाथ भगवान के इस प्रकार के भाव के दर्शन हो पाए, तो गिरधर लाल जी सरकार तो हमारे प्राण है, आप हमारे प्राण हो, हम यही कहते हैं कि अब ये ऋण हम चुका नहीं पाए, क्या कह दिया कुछ बोलने लायक नहीं, बस कई बार हमारे गुरुदेव दादाजी कहते थे अक्सर जिससे ज्यादा प्रेम होता है उससे वाणी कम आंखें ज्यादा बोलती है। इस ब्रज द्वारका मिलन महोत्सव में जो रस बरस रहा और जो आप सब ग्रहण कर रहे हैं गिरधर लाल जी के प्रकटोत्सव में, आज उनका प्रकटोत्सव भी है। आज सरकार पर देखो अवतार का मतलब होता है, जैसे आपने कभी सीढ़ी देखी, सीढ़ी जिसके ऊपर से छत पर चढ़ना होता है, तो सीढ़ी दो काम करती है, चढ़ा भी जा सकता है उतरा भी जा सकता है। जो साधन सिद्ध पुरुष महात्मा होते हैं वो साधना के बल पर चढ़कर के ऊपर पहुंच जाते परमात्मा के पास, जो हमारे जैसे जीव निकृष्ट होते हैं उनके लिए भगवान उतर करके अवतार लेते हैं, इसी को अवतार। अवतार का मतलब ही है कि परमात्मा जीवात्मा, किसी ने भगवान से पूछा कि आप कंस को मारने आए हैं पृथ्वी पर, क्या आप रावण को मारने आए हैं? भगवान ने बड़ी अद्भुत बात की, पता है ठाकुर जी क्या बोला, मुस्कुराते हुए ठाकुर जी बोले भैया न हम कंस को मारने आए हैं न हम रावण को मारने आते, बोले फिर आप क्यों अवतार लेते हैं, नारायण से नर क्यों बनते हैं? भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं हम अपने भक्तों के दर्शन करने के लिए चले आए। किसी ने कहा कि भक्त तो आपके दर्शन के लिए लड़ाए थे, ठाकुर जी कहते तू पग राखे एक जो मैं राखू पग साथ, अगर भक्त हमारे एक कदम हमारे मिलने के लिए चलते हैं तो हम 60 कदम दौड़ कर उस भक्त को मिलने के लिए चलते हैं। ये हमारे ठाकुर जी का सूत्र बड़ा अद्भुत सूत्र, भगवान कृष्ण लीला में दो चीजें बड़ी अद्भुत सिखाई,
प्रेम को कैसे जीना है और प्रेम की क्या मर्यादा है और प्रेम का क्या सम्मान है, भगवान ठाकुर जी ने सिखाया। और हमारे ठाकुर जी ने एक मुस्कुराने से दो ही चीजें सिखाई, मुस्कुराना। वो ब्रज में भी आए कभी मुस्कुराते रहे, ब्रज छोड़ा सब रोते रहे, लेकिन वो मुस्कुरा कर गए। मथुरा पहुंचे वहां भी मुस्कुराए, मथुरा से फिर द्वारका आए यहाँ भी मुस्कुराए। 16108 ठाकुर जी का विवाह परिग्रहण भी हुआ तब भी ठाकुर जी मुस्कुराए, खूब संततियां हुई तब भी मुस्कुराए, और खूब विवाद होकर के जब जो है परिवार आपस में लड़ने लगा तब भी वो मुस्कुराए। महाभारत में भी वो मुस्कुराए, उन्होंने जीवन काल में मुस्कुराना सिखाया। हम आप सबको यही प्रार्थना करना चाहते कि द्वारकानाथ की शरण में बैठे अपने जीवन काल में भी आप भी मुस्कुराते रहो, कितना भी बड़ा संकट आएगा।